हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मैं जानना चाहूंगी आपसे अभी के हालात क्या है। ऐसे में अलर्ट तो पूरे इलाके को कर ही दिया गया, अभी के ताजा हालात सर। जी, हमारे सैकड़ों जवान जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के जवान है, उसको हमने घटनास्थल की ओर रवाना कर दिया। वो पहुंचने ही वाले होंगे वहां पे। फिलहाल अभी स्थिति यह है कि जो गांव बसे हुए थे किनारों पे और नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा था, सभी को खाली करवा दिया गया है। मोस्टली सब जगह सूचना पहुंचा दी गई है और हमारे जवान खुद जाकर ये इंश्योर भी कर रहे हैं कि लोग उन इलाकों को खाली कर दें जहां पर की खतरा है। साथ ही जो प्रशासन है उसके साथ मिलकर हम लोग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, नीचे गोचर और उसके आगे तक के इलाकों में, बिकॉज नदी का जो पानी है वो हर लेवल पर आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। हाँ। और वो जब तक नीचे नहीं पहुंच जाता है, मुझे लगता है शायद ऋषिकेश या हरिद्वार तक, तब तक हमें स्थिति पर नजर बनाए रखनी होगी। आपकी टीम कितनी देर में वहां पहुंच जाएगी सर? जी, हमारी एक टीम पहुंच चुकी है लगभग, चूंकि जोशीमठ से 25 किलोमीटर दूर है और सुबह ही लगभग 10 बजे की यह घटना थी, निकल गए थे हम लोग 10:30-11 पे, वहां से हमारी टीम्स निकल गई थी। हाँ। टीम्स पहुंच गई, थोड़ा नेटवर्क का वहां पे इशू है, थोड़ी देर में हमें वहां से विजुअल्स और बाकी चीजें भी मिलने लगेंगी। कुछ तस्वीरें सर देखिए हम लगातार दिखा भी रहे हैं, हम समझना चाहेंगे आपसे क्योंकि ये बहुत बड़ी तबाही है। सर देखिए, आप भी जिस तरीके से बता रहे हैं, दो ऐसे सवाल जो मैं अभी तुरंत से आपसे जानना चाहूंगी। खबर जो आई कि कुछ मजदूर वहां पर बह गए हैं, कुछ पावर प्रोजेक्ट्स को भी नुकसान पहुंचा, क्या इसको क्लियर कर पाएंगे सर? जी देखिए, चूंकि बिल्कुल साफ दिन था, बहुत ज्यादा बारिश और ऐसी कोई स्थिति नहीं थी वहां पर, और संडे का दिन था, जो इलाके हैं वहां पर पानी बहुत ज्यादा नहीं होता था। ये ऋषि गंगा जो पावर प्रोजेक्ट है वहां पर अचानक ही बहुत जोर की आवाज आई और ये आवाज जोशीमठ तक सुनाई पड़ी। जो हमारे सेनानी थे वहां पर, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि बहुत ही एक खतरनाक सी आवाज, जिसको हम कहेंगे जो कि बादल टूटने की या गरजने की होती है, उससे भी बड़ी आवाज थी। बिल्कुल। और उसके बाद इसने ब्रीच कर दिया उस पूरे ITBP के PRO। सर मैं रोकना चाहूंगी, बिल्कुल मैं रोकना चाहूंगी आपको, हम लौटेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ इस वक्त DGP भी जुड़ चुके हैं। अभी के हालात क्या है, क्या टीमें वहां पर पहुंच गई हैं? हम अभी बात कर रहे थे ITBP के PRO से भी, वो बता रहे थे कि कुछ टीमें वहां पर पहुंची है। सर अभी की ताजा स्थिति बताइए। जी ये पहले तो आपको बता दें, आपको तो पता ही है कि अवलांच आया था वहाँ पे और पूरा उसके जो ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट है वो पूरा का पूरा डैमेज हो गया है। वहाँ पे 40-50 लोग काम करते थे, उनके भी उसकी संभावना है कि उनको हमारी टीमें ढूंढ रही हैं। हमारी उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड SDRF हमारी वहाँ पहुंची हुई है और वहाँ पे अब शेल्ट है, उसका पीछे से इम्पैक्ट नहीं है, वहाँ पे पीछे से स्थिति नॉर्मल हो गई है। आगे पानी का जो एक जो अवलांच आया उसने जितना पानी को इम्पैक्ट किया वो उसका इम्पैक्ट डाउन स्ट्रीम में है, तो वहाँ हमने सबको अलर्ट कर दिया है और हमारी टीमें रेस्क्यू में लगी हैं, कोशिश कर रही हैं शेल्ट में अगर कोई ह्यूमन लाइफ है तो उसको बचाने की। सर ये भी बताइए, आप जो बता रहे हैं कि पीछे स्थिति नॉर्मल हो गई है, प्लीज अगर आप डिटेल में बता सके लोकेशन वाइज, ताकि यहाँ से आज तक के माध्यम से कम जो लोग हमें देख रहे हैं वो अलर्ट पर हो जाए। देखो लोकेशन बहुत सिंपल है, आप जब बद्रीनाथ जाते हैं उससे पहले जोशीमठ आते हैं, जोशीमठ से फिर पहले नीचे उतरते हैं विष्णु प्रयाग, और विष्णु प्रयाग से गंगा जी की दो स्ट्रीम है, एक अलग गंगा जी बद्रीनाथ की ओर जाती है, एक जो है धौली गंगा राइट को जाती है नीति घाटी में। उस नीति घाटी में एक घटना हुई है, तो उसके बाद जो डाउन स्ट्रीम है जो नीचे आएगी जोशीमठ पीपलकोटी चमोली कर्णप्रयाग रुद्रप्रयाग देवप्रयाग होते हुए ऋषिकेश आएगी, उसमें हमने पूरा अलर्ट कर दिया है, राफ्टिंग को भी आज बंद करा दिया है। हाँ। वैसे इसके जो मेरे हमारी पुलिस जो है पहुंची हुई है, अब घटना के पीछे कोई नया इंपैक्ट नहीं, ऐसा नहीं कि आया जा रहा मलबा, ऐसा नहीं है, जो एक बार ग्लेशियर टूटा उसका आवाज हुआ उसी का इम्पैक्ट है ये सारा, तो उससे जो और प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे लोग उनके जान हानि की संभावना है जी, ठीक है, उसको हमारे लोग लगे हुए हैं ढूंढने में। बिल्कुल। और जो सिल्ट आया है उसके साथ उसमें भी हमारे लोग काम कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो थोड़ी देर में आपको और स्थिति बताऊंगा। एक और सवाल जो आपसे जानना चाहूंगी सर, एक और सवाल, क्योंकि आसपास ये भी बता दीजिए कितनी आबादी वाला जो इलाका है, क्योंकि जहां जहां से पानी निकल रहा है वहां पर आबादी, निचले इलाके के गांव, उसके बारे में भी जानकारी दे दीजिए सर। जो नीति घाटी है वहां तो आबादी नहीं, वो तो खाली है जी, और आबादी तो ज्यादा पीपलकोटी के आसपास शुरू होती है, अदरवाइज आबादी कम है, और हमने आबादी जो गंगा किनारे की, गंगा जी के किनारे की जो होती है उन लोगों को सबको अलर्ट कर दिया है, तो उसमें संभावना कम रहेगी डैमेज की जी।